वो पूछता, लोग अक्सर कहते हैं जन्नत आसमान में है, तो क्या ये सच है? नहीं, जन्नत तो हर जगह है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जो जमीन और आसमान सब पे मुहित है। तो हमें तो पता नहीं लगता, हम जानते नहीं, मगर यहाँ भी जन्नत है। वो सिर्फ जिनको शऊर हो उनको समझ आती है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तलावत फरमाई तो बाद सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, फिर जहन्नम कहाँ है? अगर सारी कायनात में जन्नत ही फैली हुई है तो जहन्नम भी तो कहीं होगी। आपने फरमाया वो भी वहीं है और तुम्हें इसके शऊर नहीं। बस ये जो डायमेंशंस का तसव्वुर है, रसूल सल्लम को उस ज़माने में इताफ हुआ था। वो पूछता है कि एक लड़का बहुत आराम आराम से वो एक मेडिसिन की शेल्फ के आगे से गुजर रहा था, तो कोई पूछ रहा था कि आप इतनी आराम आराम से क्यों गुजरता है? वो कहता है कि मैं स्लीपिंग पिल्स को जगाना नहीं चाहता था। मैं स्लीपिंग पिल्स को जगाना नहीं चाहता था। स्लीपिंग पिल्स जो जो सोने के लिए दवाई नहीं है, स्लीपिंग पिल्स बिल्कुल नहीं। इस पर आपको हंसी आ गई होगी, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। वैसे जन्नत के मुतल्लिक मैं सुना देता हूँ आपको एक और। एक पादरी ने एक लड़के से एक गांव का पता पूछा कि उस गांव का रास्ता कौन सा जाता है। उसने बता दिया। वो पादरी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरे पास आना तुम चर्च में, मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता बताऊंगा। उसने कहा, आपको गांव का रास्ता तो आता नहीं, जन्नत के मुझे क्या बताएंगे?